हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूट्यूब पे सबसे पहले डेली सुबह चार बजे आपको हमारे द्वारा यह वीडियो करंट अफेयर्स की प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हम डेली के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किस मिसाइल का परीक्षण इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ओडिशा के तट पे किया गया था? रिसेंटली विच मिसाइल वॉज टेस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा? यह सवाल कल के वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी से पूछा था और इसका राइट आंसर है अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा के तट पे। जिस एयरक्राफ्ट के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसका नाम है सुखोई SU-30, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है आपके सामने। नेशनल जियोसाइंस अवार्ड 2018 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार श्रेणी किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर सोहिनी गांगुली ने यह पुरस्कार श्रेणी जीती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? 4,000, 3,000, 5,000 या ऑप्शन डी 6,000। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को यह सहायता राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाना है? द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख कौन है? चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को भारतीय वायुसेना के वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2018 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोफेसर सैयद वाजी अहमद नकवी ने राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2018 का जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए T20 मैच में कौन T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, डेविड मिलर या विराट कोहली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विराट कोहली T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया और किसने हाल ही में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? सुशील कुमार, संजय वर्मा, रवि कुमार या संदीप शर्मा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि कुमार। बजरंग पूनिया के बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्हें अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, Super-30 के संस्थापक और गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन आनंद कुमार को किस देश में प्रतिष्ठित टीचिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, और इस अवार्ड का नाम है द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क NTPC लिमिटेड के द्वारा कहाँ स्थापित करने की योजना है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या तमिलनाडु? तो यह सोलर पार्क दोस्तों गुजरात में खोले जाने की योजना है और यह 5 GW का सोलर पावर प्लांट होगा, जो कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, गांवों में सार्वजनिक वाईफाई देने के लिए किसके साथ BSNL कंपनी ने एक पार्टनरशिप पे हस्ताक्षर किए हैं? गूगल, सिस्को, वोडाफोन या एयरटेल? तो यह समझौता किया है गूगल के साथ BSNL कंपनी ने। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यह योजना बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात के गांवों के लिए रखी गई है, जहाँ पे गांवों में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा पुरस्कार 2019 में
किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? पद्मावत, अंधाधुन, राजी या धड़क? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अंधाधुन। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आईफा अवार्ड किस सिटी में दिए गए हैं, यह दिए गए हैं मुंबई सिटी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है आपके सामने, हु इज़ द इंडियन मिनिस्टर ऑफ पावर, भारतीय विद्युत मंत्री कौन है? ऑप्शंस है राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद या डीवी सदानंद गौड़ा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।